कई परिवारों को दी जाएगी 5,000 पेंशन। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, अनाथ बच्चों और आश्रितों को मिलेगा लाभ, बच्चों की शिक्षा का भी किया जाएगा निःशुल्क प्रबंध। बड़ी खबर, पात्रता न होने के बावजूद भी परिवारों को मिलेगा राशन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा ऐलान है। वहीं कई परिवारों को दी जाएगी 5,000 पेंशन। अनाथ बच्चों और आश्रितों को मिलेगा लाभ, भोपाल से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान सामने आया है, कई परिवारों को 5,000 पेंशन दी जाएगी। छिंदवाड़ा जिले के साजकोही के मंडाढाना की एक शादी समारोह में प्रशासन को 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर मौके पर स्थानीय प्रशासन की टीम कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन शादी में मौजूद लोगों ने उल्टा पुलिस पर ही हमला कर दिया। हमले में तहसीलदार मनोज चौरसिया, थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा सहित कई लोगों को चोटें भी आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बीएमओ डॉक्टर लोधी में ने बताया कि थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा को सर पर चोटें आई हैं, वहीं उन्हें छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है। खंडवा जिले के पंथाना एसडीएम आरती सिंह ने तहसील कार्यालय परिसर में ईद के त्यौहार को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में पंथाना के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इस दौरान एसडीएम आरती सिंह ने सभी को घरों में रहकर ईद का त्यौहार मनाने के लिए निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मस्जिद में सिर्फ 11 लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे। इस मौके पर डीएसपी दीपा मांडवे, तहसीलदार विजय सेनानी और थाना प्रभारी आर एस मालवीय मौजूद रहे। आगामी ईद का त्यौहार देखते हुए आज हमने मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं मौलाना, उनकी मीटिंग बुलवाई थी कि ईद का जो पालन मतलब त्यौहार को मनाना हो रहा है वो कोरोना लॉकडाउन के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही हो और लॉकडाउन का पूरा पालन किया जाए और भीड़ ना मनाई जाए, जितना हो सके उतना लेवल तक अपने घर पे ही नमाज मनाए और अपने घर पे ही त्यौहार भी मनाया जाए। अब जैसे ईदगाह पे जो मतलब उन लोगों ने बोला है कि भाई हम ईदगाह पे भी नमाज पढ़ेंगे, तो वहाँ कितने लोगों को आपने अलाउ किया है? ईदगाह के लिए हमने बंधाना में सिर्फ 11 लोगों के लिए अलाउ किया है, 10 लोग रहेंगे प्लस एक मौलाना जी रहेंगे। विदिशा जिले के ग्यारसपुर के जिला सहकारी बैंक में रुपए निकालने के लिए आधी रात से ही किसान लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल बैंक प्रबंधन द्वारा एक दिन में 50 लोगों को ही टोकन दिया जा रहा है, जिस कारण किसान रात में ही आकर टोकन के लिए बैंक के बाहर खड़े हो रहे हैं। किसान कोरोना नियमों की परवाह न करते हुए एक साथ जमा होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जहां एक और प्रशासन लोगों से सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रहा है, तो वहीं जिले से ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। विदिशा जिले के सिरोंज में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। चोरी छिपे दुकानें संचालित करने वाले दुकानदारों पर 5,000 रुपए तक की चलानी कार्यवाही भी की जा रही है। वहीं सिरोंज में कई लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। छतरपुर जिले के नौगांव में जनता कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग प्रशासन के आदेश की अनदेखी कर बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है।
मैदानी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार नगर के कसरा बसाहट स्थित गुरप्रीत भटिया उर्फ चन्ना सरदार के घर एसडीएम ने दबिश देकर अवैध शराब जब्त की है। लॉकडाउन में जहां एक और प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी है, वहीं कसरावत बसाहट में अवैध शराब बेची जा रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चोरी छिपे अवैध शराब जब्त की है। वहीं घर में उपस्थित महिला को एसडीओपी के आदेश पर महिला पुलिसकर्मी थाने ले गई। एक सूचना प्राप्त हुई थी कसरावत बसाहट में, गुरप्रीत भाटिया नाम का व्यक्ति है जिसके यहाँ किराने की दुकान है और वो वहाँ पर शराब बेचने का काम भी करता है। तो पुलिस की और प्रशासन की टीम द्वारा संयुक्त रूप से रेड की गई है और भारी मात्रा में दारू जब्त की गई है। कितनी मात्रा में शराब अभी रेड की जा रही है, कार्रवाई अभी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडू शर्मा के नेतृत्व में लॉकडाउन में गरीब असहाय के भोजन की व्यवस्था को लेकर पिछले वर्ष खजुराहो रसोई का शुभारंभ किया गया था, जिसको लेकर इस साल भी लॉकडाउन के चलते खजुराहो रसोई को दोबारा से शुरू किया गया है, जिससे गरीब असहाय लोगों को खाने के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि खजुराहो रसोई के माध्यम से गरीबों को घर घर जाकर खाद्य सामग्री वितरित भी की जा रही है। खबर विदिशा जिले के ग्यारसपुर से है, जहां बुधवार से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे से ही वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं की कतार वैक्सीनेशन सेंटर पर लगने लगी थी, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन 10 बजे बाद ही शुरू हो पाया। जब इस बात को लेकर बीएमओ से बात की गई तो उनका कहना था कि कोरोना के कारण उनके स्टाफ के कई लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसके कारण बाहर से स्टाफ बुलाना पड़ रहा है। अब हमारे साथ में ग्यारसपुर ब्लॉक के विकास खंड के जो बीएमओ साहब हैं अब्बास जेदी साहब, हम उनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार यहाँ पर युवाओं ने ये बात रखी है कि हम 9 बजे से हमारा टाइम दिया गया था और इसके बावजूद भी लगभग 10:30 बजे से यहाँ से टीकाकरण जो है वो प्रारंभ किया गया, तो 1.5 घंटे किस कारण बस यहाँ पर लेट, युवाओं के लिए का कहना है कि कहीं ना कहीं उनको जॉब वगैरह पर भी जाना था, उनको नौकरी पेशा है तो वो काफ़ी लेट हो गए, तो क्या कारण रहा सर, लेट क्यों हो रहा सर टीकाकरण? ऐसा है कि हमारे जो ग्यारसपुर का आधे से आधा स्टाफ है वो पॉजिटिव हो चुका है ग्यारसपुर अस्पताल का जी। तो हमने यहाँ से जो टीकाकरण में ड्यूटी लगाई है, बाहर के स्टाफ गुलाबगंज के, कई खिरिया के, कई मोहना खेजड़ा के स्टाफ की ड्यूटी लगाई है जी, जी। तो वो उन लोगों के पास साधन नहीं थे, बस नहीं थे, तो हमने खुद ने अपनी स्वयं गाड़ी भेजी उनको लेने के लिए सुबह, तो जब सब जगह से वो लेके स्टाफ को आ रहे हैं गाड़ी, इसलिए टीकाकरण 10 बजे शुरू हो पाया, 1 घंटे देर हो गई है उसमें। आज जो कितने बच्चों को यहाँ पर टीका, नौजवान शादी को लगेगा 100 लोगों का आज का स्लॉट है हमारा जी, इसके अंदर 18 साल से ऊपर वालों को 100 लोगों का आज टीकाकरण तो किया जाएगा। चलेगा टोटल ये अभी तो 5 दिन का हमारा खुला रहेगा जी, उसके बाद में आगे भी जारी रहेगा, जैसे जैसे वैक्सीन आती रहेगी वैसे वैसे टीकाकरण चलता रहेगा जी जी। तो जिस प्रकार यहाँ पर साहब बीएमओ साहब ने बताया है कि लगातार यहाँ पर ग्यारसपुर में कुछ स्टाफ यहाँ पर पॉजिटिव निकला, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी कमी देखी जा रही है स्वास्थ्य विभाग में, तो बाहर से जो क्षेत्र से है उनको स्टाफ को बुलाया गया, इस कारण बस आज यहाँ पर लेट टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। ग्यारसपुर से के न्यूज इंडिया के लिए सीताराम कुशवाहा। होशंगाबाद में कोरोना संक्रमण बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते थोक सब्जी विक्रेताओं को ट्रक में लदे टमाटर को जानवरों के सामने फेंकना पड़ा। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही थोक सब्जी विक्रेताओं ने किसानों से गांव-गांव जाकर टमाटर की खरीदी की थी, लेकिन बिक्री के अभाव में और गर्मी के चलते टमाटर ट्रक में ही खराब होने लगे, जिसके कारण थोक सब्जी विक्रेताओं को ट्रक में लदे टमाटरों को फेंकना पड़ा। अंतर्गत उन्होंने इसको प्रावधान में लाए थे कि सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी टोटल बंद रहेगी, और चूँकि एकदम से ये आदेश आया तो हमारे पास जो माल 7 तारीख का था, 8 तारीख का जो टमाटर आ गया या वो दूसरी सब्जियां जो आ गई वो 9 तारीख को सुबह बिकने लायक नई कंडीशन में थी, अब 9 तारीख को नहीं बिकी, 10 को नहीं बिकी,
ऐसे चलते चलते अब ये कंडीशन आ गई कि सब्जियों को हमें फेंकना पड़ रहा है, क्योंकि सब्जी गर्मी का टाइम चल रहा है, सब्जी बचेगी नहीं। और फुटकर भी क्योंकि कोरोना कर्फ्यू चल रहा है तो फुटकर जो व्यापारी हैं, रिटेल ब्रोकर हैं, वो भी उसको नहीं ले रहे हैं, इसलिए सब्जी मंडी थोक सब्जी होशंगाबाद को तो पूरा पूर्णतः लॉस है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। इसके एहतियातन राजनांदगांव के न्यायालय परिसर में टीकाकरण हेतु कैंप लगाया गया है, जिसका आयोजन जिला और सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पैरा लीगल वॉलंटियर पैनल लायर द्वारा किया गया, जिसमें सभी ने वैक्सीन लगवाई। राज्य शासन का भी निर्देश है कि जो अधिवक्ता है और उनके परिवार और शासकीय कर्मचारी को भी फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए तो वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी गई है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे जो न्यायालयीन कर्मचारी हैं, जजेस हैं और अधिवक्तागण हैं, वो और उनके फैमिली मेंबर जो 18 ईयर से ऊपर के हैं, तभी के लिए आज यहाँ पर न्यायालय की ओर से आग्रह आने पर विशेष कैंप आयोजन किया गया है। होशंगाबाद के वार्ड नंबर 20 की बंगाली कॉलोनी के निवासी इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 22 दिनों की से वार्ड नंबर 20 के रहवासियों को गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसको लेकर वार्डवासी कई बार नगर पालिका के कर्मचारी और CM हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद गुस्साए वार्डवासी गंदे पानी की बोतलें लेकर नगरपालिका पहुंच गए और स्वच्छ पानी की मांग करने लगे। मामले की गंभीरता को समझते हुए अधिकारियों ने वार्ड में टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई करवाने की बात कही है। मैं नगरपालिका पानी की शिकायत को लेकर आया कि पानी में बिल्कुल भी गटर का पानी आ रहा है, गटर का पानी आ रहा है, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। इसके लिए हमने शिकायत करी है, 181 पे भी शिकायत करी है, तो कह रहे हैं ठीक है करवा देंगे, और जहाँ नगर पालिका में चक्कर काट रहे हैं तो वो कहते हैं पानी की टंकी पास चले जाओ, वो कहते हैं यहाँ चले जाओ, कहते हैं वहाँ चले जाओ। पिछले 15-20 दिन से पानी की समस्या आ रही, मतलब पानी नहीं पी पा रहे हैं। किस तरह का पानी आ रहा है अभी वहाँ पर? सर इस तरह का पानी आ रहा है, मतलब हम पानी देख भी नहीं पा रहे, इतना गटर का पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है सर, इस तरीके का पानी आ रहा है। विदिशा के जिला अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर मेडिकल कॉलेज और शासकीय चिकित्सालय में जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा समस्त नर्सिंग स्टाफ को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नर्सों द्वारा किए जा रहे कार्य की भी सराहना की। एक चिंता का विषय था, ऑक्सीजन की भी किल्लत हो रही और भी प्रॉब्लम्स, बेड की दिक्कत हो रही, लेकिन सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास कर जहां बेड की कमी थी उस बेड की कैपेसिटी को हम लोगों ने बढ़ाया। ऑक्सीजन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। लिक्विड ऑक्सीजन जो मध्य प्रदेश से बाहर के प्रदेशों से आती थी, वहाँ से लाने के लिए टैंकरों की कमी थी, टैंकर की उपलब्धता कराई गई। दूसरे प्रदेशों से लाने के लिए सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, और उसमें देरी ना लगे, हर 2-2 घंटे में हमारी टीम ये सुपरविजन कर रही थी कि टैंकर कहाँ तक पहुँचा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सभी नर्सों को उपहार देकर उनका सम्मान किया। इसी के साथ विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने नर्सों के साथ केक काटकर उनका उत्साहवर्धन किया और कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार सेवा करने पर भी सराहना की। तब ये बिल्कुल इस तरह जैसे इनके परिवार के सदस्य, वो इस मनोभाव के साथ उनकी सेवा कर रही है। कई बार ऐसे मौके आते हैं
कि मरीज या उनके पेशेंट आपके साथ कई बार आप सब लोग काम किए हैं। पन्ना के अजयगढ़ क्षेत्र ग्राम पंचायत नंदपुर के पास में बहने वाली रुंच नदी में ग्रामीण द्वारा 6 शवों के नदी में तैरते हुए की खबर सामने आई है, जिसके बाद शहर में सनसनी फैल गई। वहीं खबर फैलते ही जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने अजयगढ़ क्षेत्र के SDM तहसीलदार थाना प्रभारियों को मौके पर भेजा गया, वहीं जाँच भी कराई। हालांकि जांच के दौरान वहां पर कुल अभी तक रोज नदी में 2 ही शव मिले हैं, जिनकी जांच करने के बाद पता चलेगा कि दोनों ही शव नंदपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम की ही है या फिर किसी और के, जिसमें एक मरने वालों को सफ़ेद दाग तो दूसरे की कैंसर से मृत्यु हुई थी। इस वजह से मान्यताओं के अनुसार उनका अंतिम संस्कार नहीं करते हुए उन्हें जल दाग दिया गया। करीब 90 साल के थे, उनको कोविड की बीमारी थी और विहर सर्वेरिया के सरपंच साहब से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पे परंपरागत रूप से ऐसा व्यक्ति जिसको कोई चर्म रोग है, कैंसर का रोग है, तो वो बीमारी किसी और को ना फैल जाए इसलिए उसको जल स्नान कराया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने विधिवत उनके गांव के एक व्यक्ति जो करीब 90 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति थे जिनको कोविड की और अन्य बीमारी थी उसको जल प्रवाह किया है और ये सारी जानकारी गांव के और बिहार सरवरिया गांव के और नंदनपुर गांव के लोगों को पहले से पता थी। ये 6 की जो बात है ये बिल्कुल झूठ है। कल से हमारे तहसीलदार और हमारे थानेदार की टीम थी, कल से ही हमको खबर मिली थी कि 2 यहाँ पे डेड बॉडी है। मुगल का गाँव भी सरवरिया गांव के लोगों ने एक को शरीर पे सफ़ेद दाग थे जिनको नॉर्मल तौर पे जो है दाह संस्कार नहीं करते उनको यहाँ पे जल प्रवाह किया है। एक और थे जिनके 3-4 साल से कैंसर से पीड़ित थे जिनको भी जो है यहाँ जल प्रवाह किया, जिनका यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों के लोग दाह संस्कार नहीं करते। 2 ही डेड बॉडी यहाँ पे हैं और 1 डेड बॉडी हम लोगों ने निकाल के उनका मिट्टी में दफना दिया है। 1 डेड बॉडी अभी पानी के अंदर चली हुई है जिसको हम लोग जाल डाल के निकाल रहे हैं, उनको भी हम लोग दूसरे तरीके से दफनाएंगे। वीर सरवरिया गांव के सरपंच भी यहाँ पे हैं, नंदनपुर के भी जागरूक ग्रामीण लोग हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखते रहिए ताबड़तोड़ खबरें। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देश में एक तरफ कोरोना महामारी का दौर जारी है, वहीं इससे छुटकारा पा चुके मरीजों पर अब एक और बीमारी का हैड आ रही है। ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी की दस्तक प्रदेश में हो चुकी है। इसका पहला मरीज मैहर में पाया गया। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने इसके इलाज के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। त्रिपाठी ने ब्लैक फंगस बीमारी से निपटने के लिए आग्रह किया है। ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए आवश्यक दवाओं की मुख्यमंत्री से मांग की है। लॉकडाउन के बावजूद लोग मंदिर जाकर भगवान के सामने नतमस्तक होने का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, वहीं पुलिस भी ऐसे लोगों से परेशान है। इस पर भोपाल के छोला थाना में पुलिस ने भक्तों से भगवान को दूर करने का नायाब तरीका निकाला। पुलिस ने मंदिर में दर्शन करने गए भक्तों की चप्पलें उठा ली और गाड़ियों की हवा भी निकाल दी। पुलिस का चप्पल ले जाते और गाड़ियों का हवा निकालते वीडियो वायरल हो रहा है। यह कार्रवाई थाना प्रभारी छोला के नेतृत्व में की गई है। प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच विदिशा जिले से राहत की खबर सामने आई है। जिले में पिछले 4 दिनों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कल जिले में 1035 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 91 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जिले में कुल एक्टिव केस की संख्या 1040 हो गई है। कल अगर विदिशा जिले की हम कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो कल लगातार जिस प्रकार से विदिशा जिले के अंदर कोरोना पॉजिटिवों की संख्या निरंतर घटती जा रही है, कल की यदि हम बात करें तो कल विदिशा जिले के अंदर 91 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिनमें से कल जो 1035 लोगों के सैंपल लिए गए थे और कल यदि हम मौतों की आंकड़े की बात करें तो कल 8 लोगों ने कल कोरोना संक्रमण के कारण इलाज के दौरान दम तोड़ा है।
पूरे देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रही है, लेकिन इसके बाद भी कई जगह लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा एक मामला कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र ग्राम बड़सार के सामने आया, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए ग्रामीणों द्वारा बाजार लगाया गया। इस दौरान न तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नजर आया, न ही किसी ने मास्क लगाया था। विदिशा जिले के ग्यारसपुर में आज से 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे से ही वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं की कतार वैक्सीनेशन सेंटर पर लगी थी, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन 10 बजे के बाद ही शुरू हो पाया। जब इस बात को लेकर बीएमओ से बात की तो उनका कहना है कि कोरोना के कारण उनके स्टाफ के कई लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसके कारण बाहर से स्टाफ बुलाना पड़ा है। ऐसा है कि हमारे जो ग्यारसपुर का आधा से आधा स्टाफ है वो पॉजिटिव हो चुका है ग्यारसपुर अस्पताल का, तो हमने यहाँ से जो टीकाकरण में ड्यूटी लगाई है, बाहर के स्टाफ गुलाबगंज के, कई खिरिया के, कई मोहना खेजड़ा के स्टाफ की ड्यूटी लगाई है, तो वो उन लोगों के पास साधन नहीं थे, बस नहीं थे, तो हमने खुद ने अपनी स्वयं गाड़ी भेजी उनको लेने के लिए सुबह, तो जब सब जगह से वो लेके स्टाफ को आ रहे हैं गाड़ी, इसलिए टीकाकरण 10 बजे शुरू हो पाया, 1 घंटे देर हो गई है। इंदौर में कुछ दिन पहले मारपीट के मामले में थाना प्रभारी पर कार्रवाई की आज गिरी है। आजाद नगर थाना प्रभारी मनीष डावर को लाइन अटैच कर दिया गया है। एक युवक को थाने में बंद कर बुरी तरह से मारपीट की गई थी। अधिकारियों ने कार्रवाई कर सीएसपी को मौके पर भेजा, जिसके बाद युवक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, और जो भी उसमें तथ्य आएंगे उनकी जाँच में उसके अनुसार विघन रूप कार्रवाई की जाएगी। जो शिकायत हुई थी उस पर प्रथम दृष्टया हमें टीआई का उसमें लगा था कि गलती, तो उसको लाइन भेज दिया गया। होशंगाबाद के वार्ड नंबर 20 की बंगाली कॉलोनी के निवासी इन दोनों पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 22 दिनों से वार्ड नंबर 20 के रहवासियों को गंदा और बदबू पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसको लेकर वार्डवासी कई बार नगर पालिका के कर्मचारियों और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसके बाद गुस्साए वार्डवासी गंदे पानी की बोतलें लेकर नगर पालिका पहुंच गए और स्वच्छ पानी की मांग करने लगे। मामले की गंभीरता को समझते हुए अधिकारियों ने वार्ड में टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई कराने की बात कही। इसके लिए हमने शिकायत करी है, 181 पे भी शिकायत करी है, तो कह रहे हैं ठीक है करवा देंगे, और जहाँ नगर पालिका में चक्कर काट रहे हैं वो कहते पानी टंकी पास चले जाओ, वो कहते यहाँ चले जाओ, कहते वहाँ चले जाओ। पिछले 15-20 दिन से पानी की समस्या आ रही, मतलब पानी नहीं पी पा रहे हैं। ये गंदे पानी की शिकायत आई थी हमारे पास, हमने अपने कर्मचारी से दिखाया तो पता चला कि किसी व्यक्ति ने ये पाइपलाइन के ऊपर टैंक बना दिया है, जिसके कारण उसको टैंक और पाइपलाइन लीकेज हुई, तो उसमें उससे पानी जाने की संभावना बताई। तो अभी तो तत्काल हमने लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था उसके लिए टैंकर लगा दिया है। मुरैना में कोरोना कर्फ्यू की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुरैना में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने में असमर्थ साबित हो रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दुकानदार और राहगीरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बाजारों में लोगों के आवागमन पर कोई भी रोक टोक नहीं दिख रही, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की दस्तक ने शासन प्रशासन की मुसीबत बढ़ा दी है। इस इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए सरकार अमेरिकी डॉक्टर्स की मदद ले रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ आज मीडिया के डॉक्टर्स और अधिकारियों ने अमेरिका में इस बीमारी पर बड़े स्तर पर इलाज कर रहे डॉक्टर मनोज जैन से चर्चा की। मंत्री सारंग ने बताया कि यह इन्फेक्शन पूरे देश में फैल रहा है, इसके लिए हमने अलर्ट जारी कर दिया है। पहले फेज में जबलपुर और भोपाल मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगल यूनिट शुरू की जा रही है। कोविड और नॉन कोविड मरीजों के लिए अलग अलग वोट की व्यवस्था की गई है। मंत्री सारंग ने बताया कि आज आपात बैठक में इस बीमारी की रोकथाम का रोड मैप तैयार किया गया है। हमने ये निश्चय किया है कि इस बीमारी के निदान के लिए हम भोपाल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में मेकॉर यूनिट की स्थापना करेंगे, और जिसमें ENT, न्यूरोलॉजी, मेडिसिन और ऑप्टोनोलॉजी के विशेषज्ञ रहेंगे, और इसका इलाज के लिए हम अलग से यूनिट भोपाल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में स्थापित कर रहे हैं। कोरोना के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। भारी लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों को राशन की काफ़ी समस्या हो रही है, जिसको लेकर कई समाजसेवी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल के उद्योगपति खालिद खान भोपाल में गरीबों की मदद के लिए आगे आए। खालिद के द्वारा गरीब असहाय लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है। एक एक फैमिली को एक एक महीने का प्रोवाइड कर रहे हैं। जो फैमिली बिल्कुल भी कमा नहीं पा रही है, जिनके घर खाने को नहीं है, जो लोगों के पास में पैसा नहीं है, इस पूरे वक्त में हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं।
मुरैना में शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस पर जामली में हमला किया गया है। आरोपियों ने पुलिस पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले के बाद जब पुलिस जवान भागे तब पीछे से उन पर पथराव भी किया गया। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकले। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को ना बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि